बागेश्वर तथा गरुड़ विकास खंड के भोजन माताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रशिक्षण के दौरान बीआरसी समन्वयक हेम लोहनी ने कहा कि भोजन माताओं को साफ सफाई सहित अन्य जरूरी चीजों की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण में 60 से अधिक भोजन माता हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान उन्हें बताया गया कि मध्याह्न भोजन भारत सरकार सहित राज्य सरकार की भी बेहद महत्वपूर्ण योजना है। इसे लागू करने में विभाग तथा भोजन माता को भी जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। इस मौके पर सीआरसी समन्वयक मनोज सिंह, एमडीएम प्रभारी प्रदीप नगरकोटी आदि मौजूद थे। आराड़ी से आए हैं सविता पांडे, आराड़ी प्राइमरी, और ये हमको सब सही सही बता रहे हैं, और क्या कहते हैं ये भोजन के बारे में बता रहे हैं, और कैसी वर्दी पहननी है करके बता रहे हैं, साफ सफाई रहना करके बता रहे हैं, और अच्छे अच्छे खाना बनाना करके बता रहे हैं, और बच्चों को सही सलामत से खाना पीना खिलाना प्यार करना करके बता रहे हैं। देखिए, जो भोजन माताओं का प्रशिक्षण है ये केवल वो भोजन माताओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो अभी तक अप्रशिक्षित रह गई हैं, और जिनको हम प्रशिक्षित नहीं कर पाए हैं वो इसलिए क्योंकि इसमें कई भोजन माताएं ऐसी हैं जो नई नियुक्त हुई हैं, कई भोजन माताओं ने छोड़ा है, तो लगभग हमारे इसमें 60 भोजन माताओं को आज इस वाले प्रशिक्षण में शामिल किया गया, जिनमें 2 विकास खंडों के बागेश्वर और गरुड़ के भोजन माताओं को शामिल किया गया है। और ये 2 दिन का है, और इसमें भोजन माताओं को उनके कार्य दायित्व क्या है, कैसे उनको भोजन बनाना है, और मध्याह्न भोजन योजना को चलाने के पीछे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है तो क्यों है, उससे बच्चों को क्या लाभ मिल रहा है, और विद्यालयों में वो उनके क्या कार्य दायित्व होंगे, उनको कितनी स्वच्छता, किस तरह की स्वच्छता का उनको पालन करना है, किस तरह की उनको यूनिफॉर्म पहननी है, और किस तरह से उनको किस तरह के मसालों का उपयोग करना है, कौन से तेल का उपयोग करना है, इन सब जानकारियों को उनको आज दिया जा रहा है। सीसीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।